रायबरेली में शादी के मंडप से दुल्हन का बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के संग भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूल्हा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन वरमाला डालने से पहले ही दुल्हन दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। दुल्हन के प्रेमी संग भाग जाने की सूचना से दूल्हे ने जहर खाया, गंभीर हालत में लखनऊ ट्रोमा सेंटर में भर्ती। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सैमोरी गाँव निवासी अजय कुमार पुत्र श्यामलाल उम्र 22 वर्ष की शादी, गदागंज थाना क्षेत्र के आशा नंदपुर निवासी नरेश की बेटी शिवानी से तय हुई थी। पहले से तय शादी की तारीख 28 जून को दूल्हा अजय बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा। लड़की पक्ष के लोगों ने जनवासे में बारातियों की जमकर खातिरदारी भी की और द्वारा चार की तैयारियां शुरू हो गईं। दूल्हा अजय घोड़ी पर सवार होकर सभी बारातियों के साथ बैंड बाजा लेकर द्वार चार के लिए तैयार हो गया। वरमाला डालने से पहले ही लड़के पक्ष को सूचना मिली कि दुल्हन बनी शिवानी दूल्हे अजय को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई है। देखते ही देखते जहां खुशी का माहौल, वहां मातम छा गया। मामला क्या है सर? वहां पे हमारे यहां से बारात गई थी और कहां गई थी? आसानंद की पुरा तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे बारात अटी थी, वहाँ पे यह पता चला है कि हमारे बाराती सब वहाँ पे खड़े थे, जनवासे में अट गए। वहाँ पे यह पता चला है कि वहाँ पे इधर उधर सब लोग खड़े थे, देख रहे हैं कुछ कोई माहौल नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ पे पता चला है कि वहाँ से कि लड़की भाग गई है। क्या डिटेल है इसकी? ये अंजय नाम के, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है, एक युवक डलमऊ CSC से रिफर होकर हमारे पास आए। बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है, कंडीशन बहुत गंभीर बनी हुई है, भर्ती करके इलाज चल रहा है। कहाँ से आए सर? ये डलमऊ CSC से रिफर हो गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।